इसको लो और चले जाओ। इनफ मम्मा, इंतकाम की भी हद होती है, किसी के अच्छाई का असर होता है आप पे। अब तुम यहाँ पे इस घर में क्या लेने के लिए आई हो? ये मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं जब आऊं जब जाऊं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। रियली तुम्हारी ये खुशफहमी तुम्हें। जारा, जारा तुम ठीक हो? तारा होश करो। अंबर चाचा, जारा, जारा तुम ठीक तो हो? जारा, जारा तुम ठीक हो? जारा होश करो। याल्ला, डॉक्टर, कैसी तबीयत है अब आपकी? बेहतर है पहले से। चक्कर तो नहीं आ रहे? जी नहीं। वॉमिट? नहीं। गुड। पेन किलर इन्हें दे दिया है, सीटी स्कैन और दूसरे टेस्ट रिपोर्ट्स भी ठीक आए हैं। कुछ देर हम इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, उसके बाद आप घर ले जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। सारा, शुक्र है अल्लाह का कि तुम ठीक हो। मैं तो घबरा गई थी कि पता नहीं क्या हो गया। I'm sure ये सब कुछ तुम्हारी वजह से, कि तुम निकल जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ। जब भी अभी हमारे घर में आई है, हमेशा मुसीबत लेकर आई है। इसको लो और चले जाओ। Enough मम्मा, इंतकाम की भी हद होती है, किसी के अच्छाई का असर होता है आप पे। खुदा का खौफ करें आप। अहमद, किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? अहमद खामोश हो जाए। चुप तापी, बोले तो मुझे, आखिर मैं भी देखूं कि ये लोग चाहते क्या है। एक तो ये जारा को हॉस्पिटल लेकर आई है, वो चाहे इसका एहसान मंद होने की, आप इसको बातें सुना रही हैं। इसका एहसान मंद हूं? ये जब जब घर आई है, कोई ना कोई मुसीबत ही आई, और अब भी इसी की नहुसत है कि मेरी जारा इस हाल में पहुंची। पता नहीं अपने आप को समझती क्या, इसको ले क्यों नहीं जाते तुम यहाँ से? पता नहीं क्या हो गया आपको। चलो ताबीर। हाँ हाँ, ले जाओ ताबीर को, और जारा का तो तुमने हाल भी नहीं पूछा। आप आ गए हैं ना, खुद पूछे जाके। चलो ताबीर। अहमद क्या कर रहे हैं? मैं ठीक हूँ, रुक जाए यहाँ। मैंने कहा चलो यहाँ से। अहमद, देख रहे हो ना इनका तमाशा, कैसा जनमुरीद बन गया ये, किसी की फिक्र नहीं अब इसे। मानो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी सारा। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या किया मैंने? तुम्हें ताबीर की बड़ी फिक्र है, ये पूछा भी नहीं कि जारा किस हाल में। आप तो जानती हैं मामा कि ताबीर मां बनने वाली है, और जो कुछ भी हुआ उसमें क्या कसूर है उसका? उसका कसूर ये है कि वो इस घर के लिए अच्छी साबित नहीं हुई है। मनहूस है वो। जब से वो इस घर में आई है, एक दिन सुकून का नहीं मिला। पहले मेरा फाद चला गया, और अब सारा की हालत। आप सच जानना चाहती हैं मामा? तो फिर सुनिए, आपको ये लगता है ना कि फहद को मैंने कत्ल किया है? नहीं मामा, ये सच नहीं है। सच तो ये है मामा कि फहद ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी। ये क्या कह रही हो तुम? ये पट्टी तुम्हें ताबीर ने पढ़ाई है ना? कोई बच्चा नहीं हूं मामा जो किसी के बहकावे में आ जाऊं। सब समझता हूं मैं। इतने होशियार भी नहीं हो तुम, होते तो तुम ताबीर को पहचान लेते। मामा, मैं ताबीर को अच्छी तरह से पहचानता हूं। उसकी तरबियत एक अच्छी मां ने की है, जिसकी छलक उसके किरदार में नजर आती है। बहुत खूब, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं एक अच्छी मां नहीं हूं? अगर नहीं हो तो तुम एक अच्छे बेटे कैसे साबित हो सकते हो? मैं ऐसा नहीं कह रहा मामा। फहद मेरा भाई था, और आपको उसकी हरकतों के बारे में अच्छी तरह से पता था। वो बुग़्ज़ और हसद की आग में आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। ये आग बहुत बुरी होती है मामा। आपने जब मुझे अहमियत देना शुरू की,
तो फहद से बर्दाश्त नहीं हुआ। इम्पॉसिबल, वो तो तुमसे बहुत प्यार करता था, तुम उस पे इल्जाम लगा रहे हो। मैं आज तक चुप रहा मामा, क्योंकि मुझे फहद की इज्जत प्यारी थी। मैं नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद लोग उसके किरदार पे शक करें, लेकिन आज मामा आपने मुझे मजबूर कर दिया है और मैं आपको सच बता के रहूंगा। ये गन तुम्हें कहां से मिली? तुम्हारे कमरे से। फहद वापस करो मुझे। क्यों ना मैं तुम्हारी गन से तुम्हें ही गोली मार दूं? फहद मजाक बंद करो, गन हटाओ, चल जाएगी। यही तो मैं चाहता हूं, जानते हो क्यों? क्योंकि जिस जायदाद पर तुम सांप बनकर बैठे हो वो मेरी है, सिर्फ मेरी। क्या बकवास कर रहे हो तुम फहद? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है? एक बार तुम्हें ठिकाने लगा दूं, फिर जिसे तुम बकवास समझ रहे हो ना वो हकीकत बन जाएगी। तुम इस जायदाद के लिए अपने भाई को मारना चाहते हो? मैं सोच भी नहीं सकता था, घटिया इंसान हो तुम। मेरा घटियापन अभी तुमने देखा ही कहां है? और अफसोस कि तुम देख भी नहीं पाओगे। जानते हो क्यों? क्योंकि चंद लम्हों में तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। फहद लापरवाह जरूर था, लेकिन वो किसी की जान नहीं ले सकता था। ठीक है, तो आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है, आप यही ठहरिए, मैं अभी आता हूं। अफशा जी। अमर साहब, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें मना किया था कि फहद की मौत की सच्चाई के बारे में किसी को मत बताना? अमर साहब बोलो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है? अमर साहब, मुझे पता है जो कुछ भी हुआ। क्या पता है तुम्हें? वही जो आपके और फहद साहब के दरमियान हुआ है, वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या मतलब, तुमने क्या देखा है? जिस वक्त आप और फहद साहब कमरे में थे, मैं खिड़की के बाहर से सब देख रही थी। क्योंकि चंद लम्हों में तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे। फहद, ये गन मुझे दो वापस। नहीं दूंगा, पीछे हटो, तुम्हें गन नहीं दूंगा मैं। फहद हटो पीछे, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। फहद, देखो अफशा, मेरी बात गौर से सुनो, तुमने जो कुछ भी देखा तुम इसके बारे में किसी से कोई बात नहीं करोगी, बस यही समझ लो तुमने कुछ भी नहीं देखा, समझी? मगर जो कह रहा हूं उसको समझो। जी अमर साहब जी, मुझे याद है। तो आज वो वक्त आ गया है, तुमने जो कुछ भी देखा उस दिन सब सच सच्चा की मामा को बताना। जी अमर साहब, मैं बड़ी बेगम साहिबा को सारी सच्चाई जरूर बताऊंगी। आओ अफशा, ये आपको बताएगी कि सच क्या है। बताओ अफशा, उस दिन क्या हुआ था? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि अहमद साहब ने मना किया था। ठीक है अफशा, तुम जाओ। मैं तो ये तक जानता था मामा कि ताबीर की तरफ से खुला का केस आपने दायर किया है, लेकिन फिर भी चुप रहा सिर्फ इस उम्मीद से
कि शायद आप बदल जाए, लेकिन अफसोस आप नहीं बदली।